हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले वाले लेक्चर में नॉमिनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, तो नॉमिनक्लेचर के फर्स्ट पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में हम IUPAC नॉमिनक्लेचर की चीज़ों को कुछ और आगे तरीके से समझेंगे। हमने जो प्रायोरिटी टेबल की स्टडी की थी फंक्शनल ग्रुप वाली, उसका यूज़ करेंगे, और एरोमेटिक कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है या साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है, वो सब भी इस वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। तो फिलहाल जो हमने लास्ट टाइम पीरियडिक टेबल प्रायोरिटी टेबल देखी थी, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। यूज़ ऑफ सफिक्स, यूज़ ऑफ प्रीफिक्स एक बार फिर से देख लेते हैं हम। इसमें दो चीज़ें, सफिक्स, दो टाइप के सफिक्स बताए थे हमने, टाइप वन सफिक्स और टाइप टू सफिक्स। तो टाइप वन सफिक्स कब यूज़ करते हैं और टाइप टू सफिक्स कब यूज़ करते हैं, वैसे वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर किसी वजह से मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जा सके, तो हम टाइप टू वाला यूज़ करेंगे और टाइप टू वाला सफिक्स, और अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो टाइप वन वाला सफिक्स हम यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान रखना है कि अगर वो कार्बन कंटेंट कैन नॉट बी काउंटेड इन PCC देन ओनली टाइप टू विल बी यूज्ड, और अगर ये काउंट हो गया PCC में उसका कार्बन, तो फिर हम टाइप वन को ही यूज़ करेंगे। और प्रीफिक्स का क्या होगा, इफ़ अ फंक्शनल ग्रुप बिकम सब्स्टिट्यूएंट देन प्रीफिक्स विल बी यूज्ड। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, तो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, और बाकी सभी बचे हुए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, तो इन सभी के लिए हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बहुत सारे नॉमिनक्लेचर के एग्ज़ाम्पल हम वन बाई वन देखने वाले हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। देखिए ये वाला एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं, CH3 3 का मतलब है एक कार्बन, फिर मतलब तीन CH3 हैं यहाँ पे, तीनों CH3 यानी कि इस कार्बन के आसपास तीन CH3, ऐसे कुछ CH3, एक नीचे CH3 और एक ऊपर CH3, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है यहाँ पे। फिर CH2 तीन बार है, तो CH2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है CH2 CH2 CH2, ऐसा तीन बार, ठीक है। और फिर ये CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम बनकर आएगा 2266 टेट्रामेथिल हेप्टेन। इसकी स्ट्रक्चर आप चाहें तो एक बार यूँ देख सकते हैं कि ऐसी कुछ बनेगी, एक सी है, सी पे तीन सी है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक हो गया, फिर C, और उसके बाद है क्या, फिर से तीन सी के बाद एक कार्बन और उस पर तीन सी, ठीक है। अब इसको आप देखें, टोटल मिला के 7 कार्बन तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ जाएंगे, और 2 पे 2 मेथिल आ गए और 6 पे भी 2 मेथिल आ गए, तो 2266 टेट्रामेथिल, क्योंकि 4 हो गए इसलिए 2266 टेट्रामेथिल, और प्रिंसिपल कार्बन चेन के हिसाब से 7 कार्बन, तो हेप्टेन आ गया इसमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आगे दूसरा एग्जांपल, जैसे ये है CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH3। तो इसमें आप एक स्ट्रेट चेन ले लें, जैसे ये वाली चेन आपने ले ली, तो ये 4 कार्बन वाली चेन हो गई ना, 4 कार्बन वाली, तो इसका नाम तो मैथेन होगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, 2 नंबर वाले कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, और 3 नंबर का वाले कार्बन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो नेम बनेगा 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। देखें 4 कार्बन है इसलिए लास्ट में ब्यूटेन आया, सब्स्टिट्यूएंट 4 हैं 2233 पे। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, 3 कार्बन है, पहले पे 3 क्लोरीन है और तीसरे पे 2 ब्रोमीन है। अब सोचें कि किधर, इधर से ही नंबरिंग क्यों की, नंबरिंग करने का कारण ये रहा
कि अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले पे केवल दो सब्स्टिट्यूएंट मिलते, इधर से नंबरिंग करने पर तीन सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। आपको ये भी लग सकता था सर ब्रोमो तो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसको प्रायोरिटी देना चाहिए था ओवर क्लोरीन, लेकिन वो प्रायोरिटी इसको तब देते हैं जब बाकी कंडीशन सिमिलर होती है। यहाँ कंडीशन सिमिलर नहीं है, क्लोरीन का नंबर इधर ज़्यादा है इधर कम है, इसलिए इसी को प्रायोरिटी दी है हमने। तो आंसर क्या बनेगा, नेम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो 3-3-डाइब्रोमो, 3-3 दो नंबर्स के बीच में कॉमा लगा दिया, फिर दो नंबर के बीच में एक हाइफन लगाएंगे, वो हाइफन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर आपको लगाना है, 3-3-डाइब्रोमो, फिर वापस से हाइफन, फिर 1-1-1, फिर हाइफन ट्राइक्लोरो प्रोपेन। ओके, तो इस टाइप से यूज़ करना है। फिर अब आगे बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर, जैसे ये है। इसके लिए अगर हम देखें तो हमने ये चेन यूज़ कर लिया, देखो आप स्ट्रेट यूज़ करते तो उसमें भी 6 कार्बन होते, लेकिन उसमें टोटल सब्स्टिट्यूएंट 2 बनते, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, लेकिन ये जो हमने सेलेक्ट की है उसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, एक ये वाली ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। तो रूल यही कहता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो वो वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन हम लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, तो इसी में ज़्यादा है। अब रही बात नंबरिंग की, तो इधर सेकंड नंबर से हमें ब्रांच मिल गई, इधर सेकंड नंबर से कुछ नहीं मिला, इसलिए हमें नंबरिंग इस ऑर्डर में ही करनी पड़ेगी। तो नेम लिख देंगे 3 पे एथिल, 4 पे और 2 पे डाइमेथिल, यानी कि 2,4-डाइमेथिल हेक्सेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वाला देखें, इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन वाली बनेगी, देखो और कोई सी भी नहीं बन सकती थी। आप ये सोच सकते हो कि सर ये वाली ले लें, ये वाली, तो देखो इसमें भी 6 कार्बन है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें फिर से 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 2 पे मैथिल है, 3 पे मैथिल है और 3 पे एथिल भी है। नेम मैथिल और एथिल में से एथिल का पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये ई से स्टार्ट होता है, तो 3 पे एथिल और फिर 2,3-डाइमेथिल हेक्सेन। ओके, फिर इसका देखें तो ये 1 कार्बन है, ये एम ई का मतलब होता है मैथिल और ई टी का मतलब होता है एथिल, 1 कार्बन, फिर इस कार्बन पे एमी, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, नीचे कार्बन और ऊपर ईटी। तो देखो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे तो जाते तो 5 ही होते, ऊपर जाते तो 6 हो जाते। नंबरिंग इधर से ही, क्योंकि इधर से 2 पे मैथिल मिल रहा है, इधर से 3 पे मैथिल मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसी साइड से नंबरिंग करनी होगी। ओके, तो नेम क्या आएगा, 2,4-डाइमेथिल हेक्सेन। फिर एक ये कॉमन नेम है, ये याद रखना है, आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर है ये, है ना, ऐसा लग रहा है यार ये इधर तो नियो जैसा ग्रुप है, इधर आइसो जैसा ग्रुप है, और आइसो ऑक्टेन तो शायद ऐसा होना चाहिए था, CH3 CH3 CH3, और फिर बाकी बचे हुए 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, लेकिन बाकी बचे हुए 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होने की जगह नियो वाले फॉर्म में रहते हैं। तो आइसो ऑक्टेन की ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। खैर इसका IUPAC नाम ये नहीं है, इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम 2,2,4-ट्राईमेथिल पेंटेन होता है। कैसे, नंबरिंग यहाँ से करनी होगी क्योंकि यहाँ से सेकंड नंबर पे 2 ग्रुप्स हैं, जबकि इधर से सेकंड नंबर पे 1 ग्रुप ही है, तो नंबर ऑफ ग्रुप सेकंड नंबर पे इधर ज़्यादा है, इसलिए इधर से करना नंबरिंग ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो 2,2,4 पे ट्राईमेथिल पेंटेन। फिर नेक्स्ट है टेट्रा टर्शरी ब्यूटिल मेथेन, ये वाला टेट्रा टर्शरी ब्यूटिल मेथेन, यानी एक कार्बन की पर 3 CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, याद करो CH3 होल थ्राइस का मतलब क्या था, एक कार्बन पे C और फिर 3 CH3, 3 C और 3 CH3, C 3 CH3 C CH3, तो एक कार्बन की चारों ओर यही है, टेट्रा मतलब 4। तो देखो इसमें स्ट्रेट चेन तो हमने ले लिया प्रिंसिपल कार्बन चेन, अब सब्स्टिट्यूएंट देखें हम, सब्स्टिट्यूएंट में देखो 2 पे है मैथिल, 2 पे एक और मैथिल है, 3 पे टर्शरी ब्यूटिल है, 3 पे टर्शरी ब्यूटिल है, 4 पे मैथिल है और 4 पे मैथिल है, तो 3 और 3 पे 1,1-डाइमेथिल एथिल, 1,1-डाइमेथिल एथिल क्यों किया, क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इसकी सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांच हो गई, तो यहाँ पे इसका नंबर हो जाएगा 1-, इसका नंबर हो जाएगा 2-,
और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो जब ये दो बार आएगा तो इसका डाई की जगह बिस का यूज़ करेंगे, तो 3-3-बिस, 1-1-डाई-मेथिल-एथिल, इसकी जगह आप ज़्यादा अच्छा है ऐसा यूज़ करें, 3-3-बिस, 1-1-डाई-मेथिल-एथिल, 1-2-3-डैश हम सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिंसिपल कार्बन चेन से कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि 3-3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए बिस का यूज़ किया, और यहाँ पे 1-1 की जगह 1-1-डैश डाई मैथिल एथिल यूज़ करेंगे, और आगे 2-2-4-4 टेट्रा मैथिल पेंटेन, ये तो यूज़ करना ही है। ओके, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। तो क्या होगा, देखो ये कार्बन, एक ही कार्बन, 2-3-4-5-6 कार्बन हो गए, जिसमें फर्स्ट पे और लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स बोल देंगे अपन, लेकिन दो हैं तो हेक्सा। मैंने आपको बताया था कि अगर दो डबल बॉन्ड हो या तीन डबल बॉन्ड हो तो एल की जगह एल का आएगा, तो हेक्सा 1,5-डाईन लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली इधर देखें, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर दो ट्रिपल बॉन्ड होते या दो डबल बॉन्ड होते तब तो हेक्सा आएगा, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर हेक्सा की नीड नहीं है, फिर हेक्स से काम चल जाएगा। अब नंबरिंग किधर से करें, देखो दोनों तरफ प्रायोरिटी सेम होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, अगर बाकी कोई कंसिडरेबल फैक्ट नहीं हो, लेकिन यहाँ कंसिडरेबल फैक्ट है कि इधर से करने पर 3 नंबर पे कुछ सब्स्टिट्यूट मिल रहा है जबकि इधर नहीं मिल रहा, तो फिर इसको इस तरह से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं हम, तो 1-2-3-4-5-6 ऐसे नंबरिंग मिलेगी, यानी कि 3 पे मैथिल और फिर हेग्स, और फिर 5 पे इन और 1 पे आइन, 3 मैथिल हेग्स, 5 पे इन और 1 पे आइन, ठीक है। तो 3 और मैथिल के बीच में हम डैश लगाएंगे, मैथिल और हेग्स के बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे, फिर हेग्स और 5 के बीच डैश लगाएंगे, फिर 5 और इन के बाद भी डैश लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से -1, फिर -1, डैश मतलब -1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है तो किसी न किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, तीनों को एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है, तो 2 को ले लेते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स ले लेते हैं, तो ये ले लें, तो 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 5 कार्बन हो गए, और इसमें इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे, और इधर से करेंगे तब भी 3 नंबर पे, तो नंबरिंग इधर से भी कर लो इधर से कर लो, 3 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मैथिलीडीन, मैथिलीडीन है ना, डबल बॉन्ड CH2 को बोला जाता है मैथिलीडीन, तो 3-मैथिलीडीन पेंट पेंटा 1,4-डाईन, पेंटा क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो मैंने आपको बताया एल की जगह एल का यूज़ करेंगे, तो पेंट की जगह पेंटा, पेंटा 1,4-डाईन। ओके, फिर आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। इसके नेमिंग के लिए सबसे पहले हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो जो ये है वही हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करके इधर ले लेते तो डबल बॉन्ड छूट जाता, इधर से सेलेक्ट करके अगर हम इधर ले लेते तो भी ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाता, ठीक है, तो लेना यही पड़ेगा। अब इसमें 8 कार्बन है, 4 पे एथिल है, 5 पे भी एथिल हो, तो 4,5-डाईएथिल है। अब रही बात स्ट्रक्चर के नेम की, तो 8 से ओक्ट आया, लेकिन ओक्ट आएगा या ओक्टा आएगा, सोचिए 3-3 डबल बॉन्ड है, 2 में ही ओक्टा आ जाता है, तो 3 में तो ओक्टा आना ही है, तो ओक्टा आएगा, तो 4,5-डाईएथिल ओक्टा 2,4,6-ट्राईइन। ओके, 2,4,6-ट्राईइन ये हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में, तो उसमें जो पहल छोटा वाला है वो माना जाता है, जैसे 4 और 5 के बीच में तो इसका डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 नहीं 4 मानेंगे, ये 6 और 7 के बीच में तो इसकी पोजीशन 6 मानेंगे, 2 और 3 के बीच में तो इसकी 2 मान लेंगे। ओके, अब इसमें देखो ये कभी कभी कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन बनती है, लोगों को लगता है कि यार ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 1 कार्बन इधर होगा 1 कार्बन इधर है, बल्कि 1 कार्बन यहाँ भी होता है, जबकि एक यहाँ पे होता है 2, एक यहाँ पे होता है 3 और एक यहाँ पे होता है 4, तो इसमें टोटल मिला के 4 है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये बनती है,
इन दोनों के आसपास ये, और इसके अलावा एक ये वाला यहाँ, और इसके अलावा ये वाला, तो ये नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू आइन। फिर इधर ये कार्बन है, ये कार्बन है टू, फिर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्बन है इसमें ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो इसमें हेक्स हेप्ट की जगह हेप्टा आएगा क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेप्टा टू फाइव डाई आइन। फिर इसकी स्ट्रक्चर कन्वर्ट करें, ये तीन कार्बन, ये चौथा पांचवा छठा सातवा, ये सात कार्बन बना दिए हमने, स्ट्रेट चेन ये वाली बनेगी, पीसीसी वाली ये तो नहीं बन पाएगी, तो ये तो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि वन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से तो ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ तो टू पे मैथिल आ रहा है, तो चलो इधर से लेते हैं, तो पांच नंबर पे मैथिल है, तो फाइव मैथिल हेक्स वन आइन। ओके आगे देखें, आगे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें जैसे ये वाला करना होता हमें, तो सपोज इसका नेमिंग करना है, तो देखो दो चीज़ें हैं इसमें, एक रिंग भी है और एक नॉर्मल चेन ओपन चेन भी है। तो अगर ओपन चेन या रिंग में से किसी एक में कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानते हैं और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो इसको रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कीटोन, यानी कि इसका मेन सफिक्स ओन यूज़ करना पड़ेगा, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहाँ पे वन पे पास पड़ रहा है, तो वन पे ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होता है तो उसको फेनिल बोलते हैं, तो नेम हो जाएगा वन फेनिल प्रोपेन वन ओन, वन फेनिल प्रोपेन वन ओन। फिर आगे देखें, जैसे इसके अंदर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप का ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे, ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी नॉर्मली। फिर टू नंबर पे फ्लोरीन है, और क्या बनेगा, टू पे फ्लोरो पेंटा, थ्री पे ईन, वन पे ओइक, टू फ्लोरो पेंट, सॉरी पेंटा नहीं पेंट आएगा क्योंकि दो डबल बॉन्ड नहीं है, दो डबल बॉन्ड होते या दो ट्रिपल बॉन्ड होते तो पेंटा करते, टू फ्लोरो पेंट, थ्री ईन, वन ओइक एसिड। वन ओइक नहीं भी लिखो, डायरेक्टली ईन ओइक लिख दो तब भी चल जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वन नंबर पे ही आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखो सी ओ बी आर क्या है, ये ग्रुप है सी ओ एक्स वाला, हेलो फॉर्मिल वाला ग्रुप है ये, एसिड हेलाइड वाला ग्रुप है। तो देखो इसको नंबर वन दिया, 1 2 3 4, तीन पे ब्रोमो बन गया, थ्री ब्रोमो ब्यूटेनोयल, एल्केनोयल हेलाइड नेम होता है ना, तो चार कार्बन है तो ब्यूटेनोयल ब्रोमाइड नेम हो जाएगा इसका। फिर इसको देखो आप, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन है। अब इसके अंदर दो ग्रुप हैं, दोनों क्या है, कीटोन है, तो दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ही हैं, तो नेम में डाइओन आ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, हेग्स हेग्स, फाइव पे ईन, टू फोर डाई ओन। फिर ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर सी डबल ओ सी एल, यानी कि ये एल्केनोइल हेलाइड वाला है, एसिड हेलाइड, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो ब्यूट थ्री इन ओइल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूट थ्री ऑइन इन ओएल हेलाइड होता है, तो ओएल और सी एल की वजह से आ गया क्लोराइड, तो इस टाइप से इसका भी नॉमेनक्लेचर हो गया। अब आगे देखते हैं अपन ये वाला एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, फेनिल, तो नेम हो जाएगा डाई फेनिल, एक कार्बन मैथेन और कीटोन की वजह से ओन, तो डाई फेनिल मैथेनोन। इसका कॉमन नेम याद रखना है आपको, भाई बेंजोफिनोन कहते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये एमाइड है, तो एमाइड का क्या नेम होता है, 1 2 1 2 के हिसाब से दो कार्बन, तो एथेनेमाइड, क्योंकि सफिक्स आप जानेंगे कि इसमें टाइप वन सफिक्स लगाएंगे जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यूज़ किया जाए प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो टाइप वन वाला सफिक्स यूज़ करते हैं, उसका टाइप वन वाला सफिक्स एमाइड होता है, तो ये बनेगा एथेनेमाइड। फिर इधर देखें हम, ये देखो 2 डिग्री वाला एमाइड है,
तो इसमें सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, उसके बाद कहीं नेमिंग करेंगे। कभी भी 2 या 3 डिग्री वाला एमाइड आ जाए तो सबसे पहले एन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट के नाम विद एन लिखते हैं और बाकी बचे हुए का नोमेनक्लेचर बाद में किया जाता है। तो सबसे पहले इसको किया एन मेथिल, अब बाकी ये बच गया तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनेमाइड, है ना। 4 कार्बन का ब्यूटेन और एमाइड का जो एसिड एमाइड का सफिक्स है वो एमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो एन मेथिल ब्यूटेनेमाइड। इसमें देखो ये तो नॉर्मल 1 कार्बन वाला है HCONH2, तो मेथेनेमाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको देखते तो पहले एन से जुड़ा हुआ एन मेथिल, फिर ये 1 कार्बन की वजह से मेथेनेमाइड। फिर इसमें देखो पहले एन से जुड़े हुए क्या क्या, एन पे एथिल एन पे मेथिल, इनको पहले लिख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एन एथिल एन मेथिल, और फिर 1 कार्बन का बचा हुआ मेथेनेमाइड। अगर इसको देखें तो ये एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड ऐसा है जिसमें एक तरफ 3 कार्बन यानी कि प्रोपेनोइक एसिड और एक तरफ 2 कार्बन यानी कि एथेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड जब दोनों मिलकर एक H2O को बाहर निकालते हैं तो ये एनहाइड्राइड बनता है। तो इसका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन दोनों से बनेगा, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक ई से स्टार्ट होता है, प्रोपेनोइक पी से, तो नेम क्या बन गया, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके आगे चलते हैं। जब दोनों सेम हो तो दो बार नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, ना ही डाई का यूज करेंगे। ध्यान रखना है डायरेक्टली एथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देंगे अगर ओ से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम हो, या यूँ समझो कि दो सेम टाइप के एसिड से जब एनहाइड्राइड बनता है तो उसकी नेमिंग में उस एसिड का नाम दो बार यूज़ नहीं करते हैं और ना ही डाई वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, अब ये एनहाइड्राइड है, इसमें 2 कार्बन वाले से बना है, इधर 1 कार्बन वाले से, ये एथेनोइक हो गया और ये मैथेनोइक हो गया। पहले एथेनोइक ई फिर मैथेनोइक एम, तो नेम क्या बनेगा, एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये वाला इसको देखें अगर अपन, तो ये 4 कार्बन वाला है 1 2 3 4, लेकिन ये साइक्लिक है। तो जब साइक्लिक बनता है तो इसको बोलेंगे, इसमें दो अलग अलग ना होकर एक ही ग्रुप है, तो ब्यूटेन डाई ओइक, ये ऐसा कुछ है इससे बना होगा, ये इससे, इसमें ये दोनों से मिलकर OH बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, तो ये बन गया। तो ये ब्यूटेन डाई ओइक एसिड था, तो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड ये वाला जो है इससे जब H2O बाहर निकला तो ये बना, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड। ओके तो एनहाइड्राइड का नेम उस पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से रखा जाता है जिससे उसका निर्माण हुआ है। ओके जैसे 31 ये देखें, अब इसमें तो 2 कीटोन है, तो इधर से स्टार्ट हुआ तो 4 पे इन है पेंट, 4-ईन-2-3-डायोन नॉर्मल। फिर अब इसमें देखो, इसमें 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल और एमीन, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए तो सबसे ऊपर इसका है। तो अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो इनके प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी जो कि एच से स्टार्ट होता है, और इसका एमिनो जो कि ए से स्टार्ट होता है, तो पहले एमिनो लिखेंगे, 4-एमिनो-3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ओके फिर इसको देखें 33, तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और ईथर है। इसमें एल्डिहाइड ईथर और कीटोन में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की, फिर ईथर की। तो खैर पहले को छोड़कर बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो बाकी पे ध्यान देने की नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक ये प्रिंसिपल कार्बन चेन बना लेंगे जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1-2-3-3 पे ये बन रहा है मेथॉक्सी, 4 पे बन रहा है मेथिल, और 5 पे बन रहा है ओक्जो। मेथॉक्सी एम से शुरू होता है, मेथिल भी एम से शुरू होता है, और ओक्जो ओ से शुरू होता है, तो डेफिनेटली ओक्जो तो बाद में ही आएगा। अब मेथॉक्सी की पूरी स्पेलिंग देखें तो MeThOXY,
और मेथिल की METHYL। देखो METH तक तो दोनों बराबर हैं, लेकिन इसके बाद इसमें वाई है, इसमें ओ है, डेफिनेटली ओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो मेथॉक्सी मैथिल से पहले मिलेगा, इसलिए नेमिंग में भी मेथॉक्सी ही पहले मिलेगा। इंटरेस्टिंग है। 3 मेथॉक्सी, 4 मैथिल, 5 ओक्सो, हेक्सेनिल। हेक्सेनिल क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का जो Type 1 सफिक्स है वो एल होता है, हेक्सेनिल। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33 के आगे 36। हाँ कुछ कुछ मिसिंग हो सकते हैं इसमें। चलो जैसे कि आपको इसका करना है, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है एसिड हैलाइड और एक है साइनाइड। अगर दोनों की प्रायोरिटी टेबल में हम ऑर्डर देखें तो एसिड हैलाइड ऊपर आता है, साइनाइड नीचे आता है। तो इसको छोड़ देंगे हम, और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम 4 पे ये पूरा साइनो और ब्यूटेनोयल क्लोराइड, क्योंकि 4 कार्बन बचा। तो साइनो के साथ ये है कि अगर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को भी छोड़ देते हैं हम, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन भी छोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। चाहे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसको इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका नेम बनेगा 4 पे साइनो, इसका प्रीफिक्स यूज़ कर लिया साइनो, और क्या बना? ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अब इधर CH3 होता तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता, तो फिर साइनाइड को इंक्लूड करते, ए जब PFG, तो इसका Type 1 सफिक्स यूज़ करेंगे, नाइट्राइल। तो देखो यहाँ से नंबरिंग भी होगी अब 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबरिंग वहाँ से होगी जिधर से कार्बन कंटेंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, फिर इसमें दो कौन कौन से हैं, एक कीटोन है और एक एसिडेमाइड है। एसिडेमाइड की प्रायोरिटी हायर होती है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 4 पे ओक्सो पेंटेनेमाइड, क्योंकि एमाइड लगेगा इसमें। फिर इधर से देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ये सब छोटे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, तो इसके लिए ये और ये। अब देखो इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, अगर किसी एक को लेते हैं तो दूसरा छूटना ही छूटना है। तो मान लो हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो ये वाला CHO है और ये वाला COH है। तो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है कि जब हमने इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन लिया तो इस एल्डिहाइड का कार्बन तो काउंटिंग में आ गया, पर इसका काउंटिंग में नहीं आया। मैंने आपको बताया था कि अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंटिंग में नहीं आए तो उसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं फॉर्मिल, और आ जाए तो यूज़ करते हैं ओक्सो। तो देखो इसके लिए यूज़ करेंगे फॉर्मिल और इसके लिए यूज़ करेंगे ओक्सो। तो इसका नाम बनेगा 3 पे फॉर्मिल, 5 पे ओक्सो पेंटेनोइक एसिड। डन। आगे करें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये वाला है, आपको ये देखना है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे साइनाइड। तीनों में साइनाइड की प्रायोरिटी हायर होती है, और साइनाइड की प्रायोरिटी हायर है तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे और बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अब देखो इसका तो ऑक्सो है और इसका काउंट हो गया, तो इसका भी ऑक्सो लगेगा, तो 3,5-डाइऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड वगैरह को इंक्लूड करते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही घूमेंगे। अब 5 पे ऑक्सो है, 4 पे मेथिल है और 3 पे एथिल है। एक ये और एक ये लिखना है। तो ये ऑक्सो ओ से शुरू है, मेथिल एम से है, और ये एथिल ई से शुरू है। तो देख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ई फिर एम फिर ओ। तो 3 एथिल, 4 मेथिल, 5 पे ऑक्सो पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड इन, और 1 पे ओइक। 1 लिखने की नीड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे आ रहा है। अब इसमें देखो इधर एल्डिहाइड, इधर साइनाइड, साइनाइड की प्रायोरिटी हायर होती है, तो 3-ऑक्सो प्रोपेन नाइट्राइल। फिर इधर 1 पे साइनाइड है और 2 पे एल्डिहाइड है, साइनाइड की प्रायोरिटी हायर होती है, तो 2-ऑक्सो एथेन नाइट्राइल। अब इसमें देखें अगर हम, तो एक तरफ इधर से एमाइड मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसको एमाइड मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो मान लेते हैं हम इसको चेन मान लेते हैं, तो एमिनो, और फिर अब ये क्या जो बचा वो क्या हो जाएगा? मेथेनेमाइड। तो इसका नेम होगा एमिनो मेथेनेमाइड। ये कोई जानता है क्या चीज़ है ये? NH2CO, NH2
सोच के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यूरिया, और लैब में सबसे पहले यही बनाया गया था। इसका नेम होगा एमिनो मैथेनेमाइड। वोलर ने बनाया था इसे, और इसके बाद से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर देखते हैं एस्टर। एस्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर होता है, और इधर एक आर डैश कुछ होता है। तो नेम लिखने के लिए सबसे पहले ओ से जुड़ा हुआ जो है ना, उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए को पहले लिखेंगे, बाद में एमाइड लिखेंगे। तो हमेशा ओ से जुड़े हुए को सबसे पहले लिखेंगे, और बिना कुछ ध्यान दिए, बिना दिमाग लगाए। तो इसका नाम लिखने के लिए ओ से जुड़ा हुआ क्या है पहले, CH3, तो नेम इसी का लिखेंगे, मैथिल। अब ये हो गया, अब बाकी बचे हुए पे फोकस कर लो। तो बाकी बचे हुए में PCC ये है, तो 2 पे ब्रोमो, तो मैथिल, 2 पे ब्रोमो प्रोपेनोएट, ठीक है, क्योंकि एस्टर का सफिक्स ओएट लगता है, एल्केनोएट, तो प्रोपेनोएट बनेगा। इसमें मैथिल मैथेनोएट, इसमें मैथिल क्लोरो मैथेनोएट। इसमें देखो, इसके अंदर सबसे पहले ओ से जुड़ी हुई चीज़ें देखें, तो इधर ओ से जुड़ी हुई चीज़ ये है, और इधर ओ से जुड़ी हुई चीज़ ये है। तो ये चीज़ है ओ से जुड़ी हुई, एथिलीन, और ये हो गया डाई एथेनोएट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कैसे कर लिया। इस CH2 CH2 को बोलेंगे एथिलीन, और सेम तरह की दो चीज़ें हैं डाई एथेनोएट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें एथिलीडीन है, CH3 को एथिलीडीन बोलेंगे, और अगर दोनों तरफ CH2 CH2 होता तो फिर उसको बोलते एथिलीन। तो ये है एथिलीडीन डाइएथेनोएट, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से लिखें, ध्यान से देखें, और याद भी कर सकते हैं इन्हें। इस कंडीशन में एथिलीन और इस वाली कंडीशन में एथिलीडीन बात करेंगे इनकी। फिर नेक्स्ट है एस्टर का ही और कुछ एग्जाम्पल। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एस्टर में प्रिंसिपल कार्बन चेन से कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लेंगे, और अगर डायरेक्टली ओ कनेक्टेड है तो एल्केनोइल ऑक्सी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एसिड, ये जो एस्टर है ये तो हमारा सब्सिट्यूएंट हो गया। अब ये सब्सिट्यूएंट सी से जुड़ा हुआ है, कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे कार्बन है ना, ये तो कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका सब्सिट्यूएंट का नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, यानी कि एक कार्बन वाला मेथोक्सी कार्बोनिल, तो 3-मेथोक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, ये नाम बन जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ देखें तो इसमें और इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ था एस्टर, यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो जब एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हो तो एल्केनोयल ऑक्सी बनता है, तो एल्केनोयल तो इससे बनेगा और फिर इसका ऑक्सी लगेगा, तो एथेनोइल ऑक्सी कहाँ पे, 3 पे, 3-एथेनोइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड है, एथेन डायोइक एसिड कह देंगे इसे, ये पेंटेन-1,5-डायोइक एसिड हो जाएगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अलग अलग होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है 2 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मेलोनिक एसिड होता है 3 वाला, फिर सक्सिनिक एसिड होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है ना, एडिपिक एसिड होता है 6 वाला। इसके बाद अगर 6, 4, 5 के बाद 6 हो जाए, इसमें 5 कार्बन है ना, इसी टोटल 6 हो जाते हैं ना बीच में 4, तो फिर वो एडिपिक एसिड हो जाता। इनके सब ये सब इम्पोर्टेंट भी होते हैं, जैसे ये रहा ना एडिपिक एसिड, ठीक है। इसका नेम में क्या आएगा, नहीं सॉरी, ये एडिपिक एसिड नहीं है क्योंकि इसमें COH लगा हुआ है, 4 CH2 बीच में होते हैं, साइड में COH CH होते हैं, तो एडिपिक एसिड बनता। खैर, फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका नेम बता देता हूँ मैं आपको। आपको ऐसे लगेगा कि इसका नेम ऐसे लिखना चाहिए, 3 पे कार्बोक्सील, 3 पे कुछ भी कोई सब्सिट्यूएंट है, और बाकी बाद में पेंटेन-1,5-डायोइक एसिड। लेकिन रीज़न ये है ऐसा नाम नहीं लिखने का कि तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक को छोड़ दें इसमें, नहीं, हमें या तो तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों को छोड़ना पड़ेगा। तीनों को लेने का कोई जुगाड़ यहाँ पे है नहीं, तो फिर तीनों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो तीनों को छोड़ने के लिए हमने ये किया,
और जब तीनों को छोड़ दिया तो टाइप टू वाला हमें सफिक्स यूज करना पड़ेगा, और टाइप टू वाला सफिक्स है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, आप प्रायोरिटी टेबल में देख सकते हैं। तो नेम बनेगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सिमिलरली प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, सिमिलरली 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी तीन हैं। आप ये कहेंगे कि सर इसमें से तीन तीनों को लेना पॉसिबल नहीं है, तो फिर तीनों को छोड़ दो ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सी ओ ओ एच अलग है, इसको छोड़ा जा सकता है। इसको अगर हम ले लें तो ये कार्बोक्सी मेथिल टाइप का है, सी एच टू से अटैच हो गया, तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करने की से नीड नहीं है। तो थ्री पे कार्बोक्सी मेथिल आ रहा है, 3-कार्बोक्सीमेथिल, है ना, क्योंकि इसमें यहाँ से ब्रांच स्टार्ट होने के बाद इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। 3-कार्बोक्सीमेथिल पेंटेन 1,5-डायोइक एसिड ये बनेगा। अब देखो, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन स्मॉलर एल्किल चेन्स आर मेंशनड बाय एन एल्किल, छोटे वाले को इनसे लिख देंगे और बाकी बचे हुए को नाम लिख देंगे। 1 डिग्री एमीन में डायरेक्ट एमीन, 2 डिग्री एमीन में एन एल्किल एमीन, और 3 डिग्री में एन एन डाई एल्किल एमीन लिखते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। जैसे ये है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, तो पेंट 4 है ना, ये नंबर बन गया पेंट 4-in-2-amine नॉर्मल है, लेकिन ये 2 डिग्री वाला है। तो सबसे पहले छोटी चेन को लिखेंगे एन मेथिल, फिर ब्यूटेन 2-amine एन मेथिल, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, और फिर 2-pe-amine, इसमें एन एथिल एथेनेमिन, 2-n-methyl, छोटे वाले को एन के साथ लिखेंगे, तो छोटा वाला ये है, ये बड़ा है, तो एन एथिल मेथेनेमिन की जगह एन मेथिल एथेनेमिन लिखेंगे। ओके, अब इसमें एक मेथिल है, एक एथिल है, एक प्रोपिल है, तो मेथिल एथिल को छोड़ देंगे, प्रोपिल को बाद में लिखेंगे। तो एन एथिल एन मेथिल और प्रोपेनेमिन, एथिल पहले क्यों लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन 1-amine। फिर ईथर के बारे में ध्यान रखना है कि ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट होता है, 2 टाइप से इसका नाम लिखा जाता है, एक एल्कोक्सी और एक ऑक्सा। एल्कोक्सी कब लिखते हैं, जब स्मॉल एल्किल चेन इज कंसीडर्ड एज एल्कोक्सी एंड मेंशनड एज सब्स्टिट्यूएंट, और ऑक्सा, ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंटेंड एज अ कार्बन इन पीसीसी बट मेंशनड एज अ सब्स्टिट्यूएंट बाई ऑक्सा। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, जैसे इसका नेम लिखना है, 2 मेथड्स है हमारे पास, एक एल्कोक्सी वाला और एक ऑक्सा वाला। एल्कोक्सी वाला कब यूज़, एल्कोक्सी वाला कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई, 1,2,3 कार्बन हो गया इसमें, और 1 पे क्या हो गया, मेथोक्सी, 1-methoxy प्रोपेन, ध्यान से देखो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर भी इसका प्रीफिक्स यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक ही ऐसा इथर फंक्शनल ग्रुप है जिसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप की एब्सेंस होने पर भी खुद का प्रीफिक्स ही यूज़ करते हैं, कभी सफिक्स होता ही नहीं है। तो 1-methoxy प्रोपेन, लेकिन आप चाहें तो इसको एज अ कार्बन भी काउंट कर सकते थे ऑक्सीजन को, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है इसकी, एज अ कार्बन इंक्लूड करें तो कितने कार्बन हो गए, 5, तो पेंटेन पेंटेन, ठीक है, 4 कार्बन होते हुए भी पेंटेन लिखने का पहला केस देखेंगे आप, ये पेंटेन, और ऑक्सो है 2 पे, तो 2-oxopentane, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल पेंटेन में सेकंड पोजीशन के कार्बन को हटाकर उसकी जगह ओ लिख दिया, यानी कि 2-oxapentane हो गया। सिमिलरली इसमें देखें तो इसका नाम होगा मेथोक्सी एथेन, या फिर होगा 2-oxobutane, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कार्बन हटाकर ऑक्सीजन आ गया। इधर देखें, डाई मेथोक्सी, ये डाई मेथोक्सी एथेन है, या 1,2,3,4,5,6 हेक्सेन है, डाई 2,5-डाई ऑक्सो हेक्सेन, ठीक है। या इधर देखें, ये बन रहा क्या है, ये बन रहा है वैसे 3-pe-ethoxy prop 1-ene, है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबर इधर से कर देंगे 1,2,3, तो 3-pe-ethoxy prop 1-ene। लेकिन अगर इसको नॉर्मल देखें कार्बन कंसिडर करते हुए, तो 4-pe-oxa-hex-1-ene आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये है साइक्लिक ईथर।
तो साइक्लिक ईथर में नेम होता है इपोक्सी या फिर ओक्जा की तरह कर सकते हैं सेम। तो इपोक्सी करते वक्त तो नॉर्मल आप ये देखो कि प्रोपेन, ये जो ओ है वो कौन कौन से कार्बन के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में है, तो नेम हो जाएगा 1,3-इपोक्सी प्रोपेन, या फिर ओक्जा साइक्लोब्यूटेन, है ना। इसको अगर कार्बन कंसिडर करते तो साइक्लोब्यूटेन हो जाता। अब इसका नंबरिंग सबकी सेम है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओक्जा साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये 1,2-इपोक्सी ब्यूटेन हो जाएगा, या इसको यूँ कह सकते हैं सॉरी 1,2-इपोक्सी एथेन हो जाएगा, या एथेन में तो 1 और 2 ही पोजिशन होती है, तो ओनली इपोक्सी एथेन लिख दें, या ओक्जो साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा 2,3-इपोक्सी पेंटेन, 1,2,3,4,5 है, 2,3-इपोक्सी पेंटेन। ऐसे ही बाकी ईथर का भी नाम लिख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और वही ऑर्डर यूज़ करते हैं, PFG ने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूंट, फिर रिंग। इसके अंदर इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग, देन रिंग बिकम PCC एंड Type 2 विल बी यूज फॉर दिस। ठीक है, चलो देखते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये है तो इसमें ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है। नंबरिंग ब्रोमो से स्टार्ट कर लेंगे, तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, साइक्लोप्रोपेन। ब्रोमो से क्यों स्टार्ट की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है इसलिए। फिर इसमें देखें, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, आप ध्यान से देखें। अगर हम ब्रोमो से स्टार्ट करते हैं तो 1,2,2,3, 1 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इसमें 1 पे 1 मिलेगा। यहाँ से करते हैं तो 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब 1,1,2, 1,1,2 दो ऑप्शन हो गए। अब उसके बाद 1,1 के बाद अगर क्लोरीन पे जाएं या ब्रोमीन पे जाएं ये डिसाइड करना है, तो ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है तो उधर जाना पड़ेगा। तो इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा और इसको 6 मिलेगा। अब ब्रोमीन बी से शुरू होता है, मेथिल एम से और क्लोरीन सी से, तो सबसे पहले बी आएगा, तो 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब इन तीनों में देखें, तीनों पे एक एक ही है, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले ब्रोमो, फिर मेथिल, फिर क्लोरो, है ना। 1 ब्रोमो 2,3 क्लोरो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, है ना, क्योंकि क्लोरोसी से स्टार्ट हो रहा है तो मेथिल से तो पहले ही आएगा। फिर इसमें देखें, इधर 4 कार्बन है, इधर 1,2,3,4 कार्बन है, तो अगर रिंग में और ओपन चेन में दोनों में इक्वल कार्बन हो तो क्या कर सकते हैं हम, दोनों में से किसी को भी प्रिंसिपल कार्बन चेन मान सकते हैं और किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ, तो 4 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, तो एन ब्यूटिल और ये साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, फिर इसमें देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो कम कार्बन होने के बाद भी मेन चेन ये होगी और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो नंबर 1,2,3,3 पे साइक्लोपेंटिल प्रोप 1-ईन, इसमें 1 पे साइक्लोपेंटिल एथीन। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड और मेथिल में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, तो दो तरीके हैं हमारे पास ऊपर से नीचे काउंटिंग करने का, लेकिन इसमें इसको सब्स्टिट्यूएंट को 6 नंबर मिलेगा, और एक तरीका है नीचे से ऊपर, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा, तो 3-मेथिल-हेक्स-1-ईन बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 1,6,6-ट्राईमेथिल-हेक्स-1-ईन हो जाएगा इसका, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड को स्टार्ट करते वक्त डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अब नीचे से करेंगे अगर स्टार्ट 1,2, तो 1 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 भी मिल रहा है और 1 पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो 1,6,6-ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्स-1-ईन हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप खुद ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। अब इसमें देखो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें Type 2 क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नहीं ले पाए, तो Type 2 वाला यूज़ करके लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें साइक्लोप्रोपेन 1,2,3-ट्राईकार्बोनाइट्राइल। ओके, फिर सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका नेम लिखना है हमें, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एमाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 और 5, इधर से अगर यूँ करते तो 1, 2 और 5 पे मिलता और इधर से 1 और 3 पे मिलता, तो 2 वाला जीत गया।
क्योंकि इधर से टू पे कुछ मिल रहा है, इधर से नहीं मिल रहा, तो लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। तो टू पे ओग्जो है और फाइव पे क्या है, कार्बेमोइल। जब CONH2 सी से जुड़ता है, सी के थ्रू जुड़ता है, तो कार्बेमोइल होता है, नहीं तो एल्केनोइल एजो यूज़ करते हैं। तो कार्बेमोइल करेंगे ना, तो फाइव पे हो गया कार्बेमोइल, टू पे ऑक्सो और साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इनमें देखें SHOHOH, तो OH इसमें मेन ग्रुप होता है और बाकी SH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो वन और थ्री, इन दोनों को सेम मिनिमम नंबर मिलना चाहिए क्योंकि दोनों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं। तो अगर मैंने इधर से स्टार्ट किया होता, इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 मिलता। तो इधर से करते तो ये मिलता, तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम से कम मिले ये ध्यान रखना है, इसलिए क्लॉकवाइज चलेंगे। ओ ये तो सब्स्टिट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम बनेगा सिक्स पे SH का मरकेप्टो साइक्लोहेक्स 4-in-1-3-diol। फिर इसमें देखें अपन, तो ये एस्टर है, एस्टर में सबसे पहले हमेशा ओ से जुड़ा हुआ लिखेंगे, बाकी सब बाद में। तो साइक्लोप्रोपिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट टाइप टू वाला, क्योंकि इसके अंदर हम कार्बन को यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो टाइप टू वाला सफिक्स लगा कार्बोक्सिलेट। अब देखो इसके अंदर दो हैं, एक एस्टर वाला ग्रुप है, एक कीटोन वाला है, तो ऑब्वियसली एस्टर को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। सबसे पहले ओ से जुड़ा हुआ नाम मैथिल, अब इसका नाम लिखेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का थ्री पे ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट, टाइप टू वाला सफिक्स लगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। फिर इसमें देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप मान के चलो, ये एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है नोमेनक्लेचर के में। देखो इसमें तीन हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एस्टर, एक एस्टर। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ है ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से, और इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो नाम बनता है एल्केनोइल ऑक्सी, और जब कार्बन से जुड़ा होता है तो बनता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो देखो अगर इधर से करते तो इसका जो तीन नंबर पे एस्टर आता, इधर से भी तीन पे एस्टर आता, तो 1 3 5 ही बनेगा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लें चाहे क्लॉकवाइज लें, लेकिन इधर से ही लेंगे। उसका रीज़न क्या है कि ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इधर से लिया। अब नेम बन रहा है इसका 3-एथेनोइल ऑक्सी, 4-मेथोक्सी कार्बोनिल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। टाइप टू वाला क्यों लिया, क्योंकि इसको यूज़ नहीं किया है हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन में। फिर आगे है एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन ये कुछ नेम्स आपको याद रखने हैं। CH3 टोलुइन, अगर दो पास पास हो तो जाइलिन, अगर ये इसकी जगह यहाँ होता CH3 तो मेटाजाइलिन हो जाता, अपोजिट में होता तो पैराजाइलिन हो जाता, फिलहाल ये ऑर्थोजाइलिन है। 1,2-डाइमेथिल बेंजीन कह सकते हैं, इसे एथिल बेंजीन कह सकते हैं। ये क्यूमीन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना है। उसका नाम 1-मेथिल एथिल बेंजीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन भी आप कह सकते हैं, ऐसे ही इनके नेम दे सकते हैं आप एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। इसका नेम देखो, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 4, 4 पे फेनिल पेंट 1-ईन। फॉलोइंग कॉमन नेम्स आर एक्सेप्टेड इन IUPAC, इसका फिनोल है, इसका एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजेल्डिहाइड है, बेंजो नाइट्राइल है। इसके अलावा ये एल्किल बेंजोएट है, ये सेलिसिलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये है 4-एमिनो फिनोल, ये यानी कि इसका तो फिनोल हो गया, इसका 4-एमिनो फिनोल हो गया। ये एनिलीन है, OCH3 इस पे लगा हुआ है, तो 4-मेथोक्सी एनिलीन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एस्पिरिन है, दर्द निवारक दवा है, पेन किलर है ये, है ना। तो सेलिसिलिक एसिड के एसिटिलेशन से बन जाता है ये C डबल बॉन्ड OH OH, ये जो था ना, इसका एसिटिलेशन करते हैं तो ये बन जाता है, इसका नाम हो जाएगा एस्पिरिन। इसको आप एसिटिल सेलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, या इसको ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी आप बोल सकते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स हैं, लास्ट इन्हें देख लेते हैं। जैसे ये है OH NH2, अभी देखा था हमने, है ना, 4-हाइड्रोक्सी एनिलीन करके देखा था। तो अगर उसका एसिटिलेशन कर दें तो पैरासिटामोल बनती है ना।
ये फीवर वगैरह में काम आती है, टेम्परेचर जब बॉडी का ज़्यादा होता है तो पैरासीटामोल काम में आती है। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले एन से जुड़ा हुआ, एन 4-हाइड्रोक्सीफेनिल और फिर एथेनेमाइड, है ना, एन से जुड़ा हुआ सबसे पहले लिखते हैं। फिर इसका देखो ये डेटॉल है, इसका नाम हो जाएगा 4-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनिल, है ना। ये आप देखो इसको आराम से, ये डेटॉल की स्ट्रक्चर है। फिर ये डीडीटी की स्ट्रक्चर हो गई। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, तो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। तो डी डाइक्लोरो डाइफेनिल तो ये हो गया, फिर ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। और नंबरिंग करना हो तो 1-1-1 ट्राइक्लोरो, 2-2 बिस, 4-क्लोरोफेनिल। बिस क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। और इसका नेम क्या है? 4-क्लोरोफेनिल। डैश क्यों लगाया? क्योंकि 1-1-2 हमने प्रिंसिपल चेन में यूज़ किया, तो सब्स्टिट्यूएंट में 1-2-3-4 यूज़ करेंगे। तो 1-1-1 ट्राइक्लोरो, 2-2 बिस, 4-क्लोरोफेनिल एथेन, ये नेम हो जाएगा। इसका साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड और इसका साइक्लोहेक्सिलिडीन मेथेनेल, डबल बॉन्ड सी है ना, साइक्लोहेक्सिलिडीन मेथेनेल, ठीक है। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर हमने इन वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है, आप इसे देखें। अब मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको पूरा ध्यान से देख लिया है तो आपका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड किसी भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप इसे देखते रहें आराम से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।